Hi guys, welcome back to my channel. आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, तो हमने सोचा बाहर जा रहे हैं तो क्यों ना आपको भी साथ में लेके चले. तो guys, let's go. सो गाइस, निकलने से पहले मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट. सबने कर ही लिया है, मेरा रखा हुआ आगे ब्रेकफास्ट, तो मैं लूँगी इडली और चटनी. तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं, फिर निकलेंगे. कॉलेज टाइम से फेवरेट है, तो चल रहे हैं वहीं पे. कुछ चटपटा सा देखते हैं. नॉर्थ इंडियन फूड हैदराबाद में उतना अच्छा नहीं मिलता, तो लेट्स सी हल्दीराम में कुछ तो अच्छा होगा. कचौरी और छोले भटूरे हल्दीराम से, तो उसी का आनंद उठाने वाले हैं. फिलहाल तो इसको कट करना पड़ा. इनका ये वाला आलू है ना, ये मेरा फेवरेट है. छोले भटूरे के साथ मैंने इनके आलू को देख के ही आलू बनाना शुरू किया. वो भी खा लेना, मैं और शिवांश खाएंगे एक साथ टेस्टी अचार. हाँ हाँ, खोलो यार, मेरे से नहीं भूलते. तो आप कौन लोग हैं?
पापा भी ड्रॉइंग करेंगे। पापा के पास पेंसिल है, आपके पास भी है। लाइट ही चली गई, मटूरा रह गया बीच में। वाह वाह क्या बात, क्या बात। इतने तो हो गए होंगे, मच्छे गरम तो हुए नहीं, ठीक ठीक से हुए। चलो शिवांश पहले ये खा लेते हैं, उसके बाद कर दूंगी है ना राज कचौरी, फिर कर दूंगी। वहीं बैठ के खा लेते हैं अपन। कहाँ? वहाँ पे ना, वहाँ पे जगह है। हाँ वही हम आ गए थे दोपहर में, आपने देख लिया होगा व्लॉग में। आज सुबह से ही हम कुछ ना कुछ बाहर का चटरपटर चल रहा है, तो गए थे हम। मेरा कुछ बैंगल का काम था, बैंगल ठीक कराना था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वही ठीक कराने गई थी। तो वहां से आते हुए हमें दिख गया हल्दीराम्स, और हैदराबाद में हल्दीराम्स नहीं दिखता था अभी तक, मुझे कभी भी नहीं दिखा। मुझे मेरा फेवरेट है हल्दीराम्स, और बस कॉलेज की यादें आ गई, तो मैंने सोचा चलो हल्दीराम्स से कुछ लेके आते हैं। हमें आए हुए 2-3 घंटे हो गए, पर शिवांश ने अभी तक क्लोथ चेंज नहीं किया। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो क्या? आए है, इसको खोल के स्टाइल तो बनाओ, क्या कपड़े। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे बालकनी का मेकओवर करना था हमें, तो ये जो आपने बकेट्स देखी हैं जो मैंने लास्ट व्लॉग में पेंट किया था, बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, तो ये मैंने वाइट पेंट कर लिया था। और अब मैं इस पर एक छोटी सी ड्राइंग बनाऊंगी जिसमें कि मैं राजस्थानी कपल बनाऊंगी, इस पर एक पे आदमी और एक पे औरत बनाऊंगी। तो फटाफट मैं ड्रॉ कर लूंगी, मोबाइल में कोई भी गूगल से फ़ोटो निकाल लीजिए और आप उस पर पेंट कर सकते हैं। तो वाइट के ऊपर अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो आपको इजीली दिख भी जाएगा। और आप कहाँ खेल के आए हो, इतने रेड हो रहे हो? मैम 3 सीढ़ियों से स्टेयर्स। एक मैम नीचे की स्टेयर से, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर की स्टेयर से, फिर एक और ऊपर आया, फिर ऊपर फिर आंटी ने कहा क्या मत जाओ वहाँ पर, वहाँ पर डॉग ही रहता है, भोकरा। ब्रूनो है? ब्रूनो? ब्रूनो नहीं, ब्रूनो। ब्रूनो, हिज नेम इज ब्रूनो। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना इजीली मैंने इनको ड्रॉ किया पेंसिल से, और उसके बाद इन पे अक्रैलिक पेंट कर लिया है। बहुत ही सिंपल वे में आप अच्छे से पेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लास्ट में मैं इस पर स्प्रे पेंट कर दूंगी ट्रांसपेरेंट वाला, तो ये कलर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अभी इसको और अच्छा से लुक देने के लिए मैं इस पर हाईलाइटर का यूज़ करूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हाईलाइटर, और ये इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा कहीं भी स्टेशनरी शॉप पे, या कहीं भी जो जहाँ पे कलर्स अवेलेबल होते हैं ये हर जगह अवेलेबल है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैं इसका लिंक डाल दूंगी। इसमें कुछ ग्लिटर्स वाले आते हैं और कुछ सिंपल, तो मेरे पास दोनों ही हैं।
सो मैं दोनों ही यूज करूंगी, ग्लिटर्स का थोड़ा डेकोरेशन के लिए और जो ज्वेलरी लेडीज की ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए उसका मैं यूज करूंगी। नॉर्मल कलर्स से भी कर सकते हैं, बट इन केस अगर आप 3D लुक चाहते हैं अपनी पेंटिंग में तो आप इन वाले हाइलाइटर्स का यूज जरूर कीजिए, बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। तो चलिए कंप्लीट करते। तो फ्रेंड्स, बारिश हो रही है बहुत तेज और लगता है अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम थोड़ा बाकी है। तो पास से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, दूसरा भी बन जाएगा तो पूरा सेट लगा हुआ अच्छा लगेगा। फिर मैं इनमें मनी प्लांट लगाऊंगी। तो फिलहाल अभी अंदर बैठ के करते हैं, यहाँ शिवांश खेल रहा है तो यहीं पे ही रख लूँगी मैं अपना सामान। ज़्यादा कुछ नहीं ले जाना पड़ेगा, सिर्फ ये दोनों कुछ कलर्स। तो भी मैं फिलहाल 3D आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं वही यूज़ कर वही मैं अंदर लेके जाऊँगी। तो चलिए अंदर सेट करते हैं इसको। तो हम चले अपना सामान एक ही बैग में रख देते हैं, नहीं तो बहुत सारा पहले पहले जी हो गया है सब कुछ रेडी। तो कैसा लग रहा है आपको ये? ऊपर भी मैंने थोड़ा सा डिजाइन बनाया है जिससे थोड़ा सा कंप्लीटनेस मिल जाए। तो जी डंडन डंडन ये हो चुके हैं रेडी। मेरी जो बालकनी का मेकओवर मैं प्लान कर रही हूँ वो है प्रॉपर राजस्थानी थीम में, तो कुछ उसी के साथ मैच करते हुए मैंने ये बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का DIY और फिलहाल बज रहे हैं 11 और ये शिवांश ने सब गंदा कर रखा है। फिलहाल मुझे ये सब क्लीन करके फिर मैं सोने जाऊंगी। सुबह को उठते हैं, नई शुरुआत करते हैं और करेंगे इस DIY को पूरा, प्लस नया DIY भी स्टार्ट करना है। तो फिलहाल तो ये दोनों रेडी हो गए हैं, इनको मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये राजस्थानी कपल सूख जाएगा और फिर यहीं पे इसको सेट कर देंगे। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और आज का DIY यहीं पे अभी मैंने छोड़ दिया है, सूख जाएगा और कल को मैं इसमें यहाँ पे प्लांट्स लगा दूंगी। तो वो ऊपर आपको दिख रहे हैं मनी प्लांट, काफ़ी बड़ा हुआ है, उसको मैं इसमें सेट करूंगी और इस वॉल पे ऊपर तक चढ़ा दूंगी, जहाँ तक भी पॉसिबल होगा वहाँ तक सेट कर दूंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट DIY करेंगे, फिर देखते हैं क्या बनाने वाले हैं। तो गाइज, अगर आज का DIY पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया है। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और DIY मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो अब मिलते हैं कल नई सुबह के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।